लोग सरकार क्यों बनाएंगे? आखिर सरकार किसके लिए बनती है? हम ही लोगों के लिए ना सरकार बनती है। जय हिंद एवरीवन। जितने भी भाई इंडियन आर्मी की तैयारी करते हो, चाहे टी आर्मी की, टेरिटोरियल आर्मी की, आप सभी लोग एक उम्मीद में बैठे थे, सभी लोग एक इंतजार में बैठे थे कि चलो 2020 में भर्ती नहीं कराई गई तो 2021 के लास्ट तक भर्ती करा दी जाएगी, चाहे टी आर्मी की भर्ती हो, चाहे इंडियन आर्मी की भर्ती हो। लेकिन कोई भर्ती नहीं कराई गई, ठीक है ना? और नहीं तो डेट पर डेट, तारीख पर तारीख कि इस महीने में भर्ती कराई जाएगी। और जब भी तारीख मिलता था तो सभी भाई, जितने लोग भी ग्राउंड पर तैयारी करते हैं, चाहे एक भी बार भर्ती देखने गए हैं चाहे नहीं गए हैं, सभी लोग ग्राउंड पर भीड़ लगा लेते थे और घर पर इतना खर्चा लेना पड़ता था, सभी लोग कंपटीशन करने लगते थे और भर्ती का कुछ पता ठिकाना ही नहीं चलता था। जैसे ही भर्ती 10 दिन 15 दिन आता था, भर्ती पोस्टपोन हो गई। और आप लोग देखना, इधर चुनाव का तैयारी चल रहा है। अब ये देखना है ना कि पहले चुनाव करा रहे हैं सब कि पहले भर्ती करा रहे हैं सब? और हमें तो लगता है कि पहले चुनाव ही कराएंगे सब, क्योंकि 2020 में अपने देश पर इतना मतलब संकट आया था, कोरोना का माहौल बहुत ज़्यादा था और कोई भी, जितने लोग भी तैयारी करते हैं ना, कोई भी कुछ आवाज़ नहीं उठाया था, कुछ नहीं बोला था कि भर्ती करा दो। सब लोग समझते थे कि हमारे देश पर संकट आया है, सब लोग चुप बैठे थे, खामोश बैठे थे। और वो दिन भी आप लोगों को याद होगा जब मास्क पहनकर चोरी चुपके से ग्राउंड पर जाते थे, रोड पर जाते थे, चोरी चुपके से रनिंग करते थे, रेस बनाते थे, ये सोचकर कि चलो अभी कोरोना का माहौल है, धीरे धीरे शांत हो जाएगा तो भर्ती करा दिया जाएगा। लेकिन उन भाइयों का तो एज ही खत्म हो गया और एज में भी छूट नहीं मिला, बस आवाज़ उठाई जा रही है। और आवाज़ भी उठा रहे हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँचना चाहिए, दो चार लोग आवाज़ भी उठा रहे हैं ना, तो जहाँ तक पहुँचना चाहिए, मैं बहुत बार देख चुका हूँ, वहाँ तक आवाज़ नहीं पहुँचता है। और पहुँचता भी है तो हम लोगों पर कौन ध्यान देगा? सरकार जो मतलब अभी देखो, सरकार अपना जैसे जो कर रही है ना, इस चौराहे पर, हर एक चौराहे पर आप लोग जाकर देखना, स्कॉर्पियो बुलेरो इतना ज़्यादा लगा हुआ है, 40-40 स्कॉर्पियो, 50-50 स्कॉर्पियो लाइन से ही जा रही हैं सब। और पता है 300-400 लोग रैलियाँ निकाल रहे अभी प्रजेंट टाइम में। और कोरोना अब कहाँ है, उनमें उसमें नहीं कोरोना होता है। हम लोग जाएंगे, हम लोग तो मास्क लगा कर कहीं भी रहते हैं तो मतलब सब कुछ नियम का पालन करते हुए मतलब जाते हैं, कहीं भी रहते हैं तो अपना नियम का पालन करते हैं। और चुनाव में क्या नियम का पालन होता है, वहाँ तो सभी लोग सिर्फ हुआ हल्ला करेंगे, शोर मचाएंगे। 2022 चढ़ते ही हर एक चौराहे पर 200-300 लोग मिलेंगे। और पता है चुनाव के लिए इतना विशाल रैलियाँ निकालेंगे, इतना भीड़ लगेगा, और ऊपर से उन लोगों को कंट्रोल करने के लिए वहाँ पुलिस प्रशासन लगेगी, तो वहाँ पर कोरोना नहीं होगा, वहाँ तो कोई मास्क भी नहीं लगाता है। और भर्ती के लिए 2 साल से सिर्फ कोरोना हो रहा है। अगर ऐसा ही चलता रहा ना तो जो लोग ओवर एज हो चुके हैं, जिन लोगों के पास NCCC है, जो लोग अपने ज़िंदगी में दूसरा कुछ सीखे ही नहीं है, सिर्फ दौड़ना सीखे हैं, भागना सीखे हैं, तो वो लोग भी चुनावी क्षेत्र में उतर जाएंगे, ठीक है ना? और किसी के अंदर देशभक्ति का जोश और जुनून नहीं रहेगा, सभी लोग नेता बनना पसंद करेंगे, विधायक बनना पसंद करेंगे, भले से 5 साल जाकर हाथ गोड़ जोड़ेंगे गाँव में जाकर, लेकिन सभी लोग नेता बनना पसंद करेंगे, क्योंकि चुनाव तो रुक ही नहीं रहा है, चुनाव की तैयारी हर एक चौराहे पर चल रही है और बहुत धूमधाम से चले। मैं भी देख रहा हूँ अपने तरफ, हर एक चौराहे पर 50 स्कॉर्पियो लगी रहती है और इतना ज़्यादा शोर मचता है। और उसका चुनाव होगा उसी डेट को होगा जिस डेट को होना है। अब ये देखना है ना, चुनाव के पहले हम लोग की भर्ती करा दी जाती है या चुनाव करा दी जाती है। वैसे तो हम लोग के पास पैसा नहीं है ना, इसलिए हम लोग का आवाज़ कोई नहीं सुनेगा, और जिसके पास पैसा है वो पैसे से कुछ भी कर देगा। तो ऐसा कब तक आखिर चलता रहेगा? अगर ऐसा चलता रहा तो हम तो किसी को वोट भी नहीं देंगे, कोई भी पार्टी से हो, अपना वोट बर्बाद कर देंगे, ठीक है ना? सरकार तक ये बात पहुंचाओ, अगर सरकार हम लोगों को देखेगी ही नहीं, सुनेगी ही नहीं, तो हम लोग सरकार क्यों बनाएंगे? आखिर सरकार किसके लिए बनती है? हम ही लोगों के लिए ना सरकार बनती है। तो सरकार तक ये बात पहुंचाओ, जितने भी भाई ओवर एज हो चुके हैं ना और जिन लोगों के पास NCCC है, तो अगर एज में छूट नहीं मिला, अगर वो अपने ज़िंदगी में दूसरा कुछ नहीं कर पाएंगे ना, तो इसी क्षेत्र में उतरेंगे और वो लोग भी नेता विधायक बनना पसंद करेंगे और देशभक्ति सभी लोगों के अंदर से खत्म हो जाएगा धीरे धीरे, ठीक है ना? वो जुनून नहीं रह जाएगा, वो जोश नहीं रह जाएगा तैयारी करने का। तो ये बात सरकार तक पहुंचाओ।